सो सो पड़े मुसीबत बेटा, हो इस उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। और किस प्रकार से क्या कहने लग जाती है, कैसे हेरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, सजनों भगत सिंह की उम्र 21-22 साल की थी और 21-22 साल की उम्र में उसे फांसी से सजा सुना दी। सजनों आज के जमाने में अगर एक माँ के जल से छोटे से बच्चे को बुखार हो जाता है तो मानो जैसे जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो तो सजनों जवान भूत था। उन माओं के लिए भी धन्य है कि ऐसी माएं हैं। आइए पहली बात के माध्यम से सजनों, प्रेमी सजनों, वो भगत सिंह की माँ कहने लगी कि बेटा बेशक तू चला जाएगा पर इस भारतवर्ष में, इस हिंदुस्तान में तेरे नाम के सुंदर गीत गाए जाएंगे, तेरे नाम के ढोल बजेंगे और तेरे जाने के बाद ये दुनिया तुझे याद करेगी, तेरी चर्चा करेगी। पहली बात के माध्यम से के कहने लगी हिंदवासी डंग नया करेंगे, हिंदवासी डंग नया करेंगे, बढ़ाई तेरी करा करेंगे, बढ़ाई बात लिखी कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के वास्ते, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के वास्ते, कि क्यों मरते हो। आजकल स्पेशली लड़के, सभी को तो नहीं कहूंगी, कुछ हैं जो लहलाओं के पीछे जान दे देते हैं, लड़कियों के पीछे जान दे देते हैं, और जबकि लड़कियां इनकी है भी नहीं, वो जिनकी होंगी उनकी होंगी। बताए सजनों कि किस प्रकार से क्या लिखा और क्या बता दिया कि क्यों मरते हो इन बेवफा सनम के वास्ते, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के वास्ते, तो गज जमीन नहीं मिलेगी तुम्हारे दफन के वास्ते, और जब आएगी तुम्हारी लाश
जब आएगी तुम्हारी लाश तिरंगे में लिपटकर, हम जैसी लाखों हसीना अपना दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के वास्ते, तुम्हारे कफन के वास्ते। और आई क्या बता दिया दूसरी बात में, क्या बता दिया, जन्म में मुझे मेरी कोख से तुझ जैसा ही लाल जन्मे। और किस प्रकार से क्या कह लगी, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म मैं फिर जड़ूंगी, अगले जन्म मैं फिर जड़ूंगी तेरी जैसी सन। कफन बिक रहा है कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है,
हमारे देश का कफन बिक रहा है। और बुरा ना मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं यारों, कुछ कमीनों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। आखिरी और अंतिम कली में सजनों, आदरणीय पंडित जी मांगे राम जी ने पूरी रागणी का निचोड़ कर दिया और कहा कि इंसान को 100 दिन जीने की आवश्यकता नहीं है, कि वो 100 दिन जिएगा तभी उससे कोई अच्छा काम होगा। सजनों कहने का मतलब ये है, एक कहने का मोटिव इतना है कि इंसान चाहे 100 दिन के बजाय 2 दिन भी जी जाए ना, उन 2 दिन में ऐसा काम कर जाए कि उसके जाने के बाद ये दुनिया उसकी चर्चा करे, हमेशा हमेशा उसकी बड़ाई करे। तो सजनों आज सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सजनों हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम उनकी रागणियां गाते हैं क्योंकि उन्होंने सजनों ऐसा काम कर रखा है। आखिरी बात में क्या लिखा और क्या बता दिया सुनो, क्या बता दिया बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद।